हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ चॉकलेट केक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये मैंने बनाया है ओरियो बिस्किट से। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चॉकलेट केक कैसे बनता है। ये मैंने लिया है ओरियो बिस्किट, आप देख सकते हैं मैंने ओरियो बिस्किट ये लिया है। अब मैं सारा बिस्किट इसमें निकालूंगी। देखिए सारा बिस्किट मैंने निकाल लिया है। अब इसका मैं क्रीम अलग करूंगी और बिस्किट को मैं अलग रखूंगी, क्रीम को मैं अलग रखूंगी। इस तरह से मैं इसका सारा क्रीम निकाल लूंगी, इस तरह से मैं सारा क्रीम इसका निकाल लूंगी। देखिए मैंने सारा क्रीम निकाल लिया है बिस्किट का। बिस्किट सारा इस तरह का है, सारा मैंने बिस्किट से क्रीम निकाल लिया। क्रीम ये है, बिस्किट ये है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के मैं इसको इसका अच्छा सा पाउडर बनाऊंगी। देखिए मेरा ये बिस्किट मैंने अच्छा से पाउडर कर लिया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून के आसपास चीनी है। अब मैं इसको भी एक बार चला लेती हूँ। देखिए चीनी भी मेरा अच्छे से पीस गया है। अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। ये सारा मैंने बिस्किट निकाल लिया इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। दूध मेरा रूम टेम्परेचर है। इस तरह कंसिस्टेंसी है। अब थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर रही हूँ, आधा कप दूध मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए आप अच्छी तरह से मेरा ये मिक्स हो गया है। इस तरह का बैटर को रेडी करना है। फिर मैं डालूँ 1 टीस्पून मैं डालूँ इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए बैटर मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैं बेक करने के लिए ये ले रही हूँ। आपके पास किसी तरह भी कोई भी इस तरह का बाउल हो तो आप इसे बेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया और चारों तरफ मैं इसको ग्रीस कर दूँगी ताकि मेरा केक जो बेक हो तो उसमें लगे ना। अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं इसको ग्रीस कर दूँगी। अच्छी तरह से मेरा ये मैंने ग्रीस कर लिया। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा ऐड करूँगी। देखिए मैंने मैदा लिया है और चारों तरफ से मैं इसको इस तरह से थोड़ा डस्ट कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा मैदा है मैं इसको डिप करके निकाल दूँगी, जो एक्स्ट्रा मैदा वो निकल जाएगा। देखिए मेरा ये अच्छी तरह से मेरा रेडी हो गया है। अब मेरा ये बैटर में जैसे सारा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर सारा मैंने इसमें बैटर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छा से हल्का से टैप कर लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें एयर बबल है वो निकल जाए। अब इसको हम लोग बेक करने के लिए देंगे। ये मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। 1 कटोरी मैंने नमक दिया है इसमें। और ये मेरे पास ये है ढक्कन है, इसमें ऐसा रख देती हूँ। 10 मिनट से मेरा ये गर्म हो रहा था लो फ्लेम में। अब मैं इसके ऊपर अपना ये केक बेक करने के लिए रख देती हूँ। और इसको मैं अब ढक दूँगी। इसको मैं अब 30 से 35 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी। फिर हम लोग 30 से 35 मिनट हम लोग उसको देखते हैं कैसा बेक हुआ। 15 से 20 मिनट होगा, देखते हैं केक हमारा कैसा बना है। हम देख सकते हैं साइड से पक चुका है, बीच में मेरा अभी पका नहीं है। 10-15 मिनट हम लोग और ढक देते हैं, फिर देखते हैं 10 से 15 मिनट बाद। देखते हैं 40 से 45 मिनट हो गए, केक हमारा कैसे बेक हुआ है। बीच में स्टिक डाल के देख रही हूँ मैं, देख सकते हैं बिल्कुल इसमें स्टिक में मेरा केक नहीं चिपका। इसका मतलब मेरा केक बेक हो चुका है। अब हम उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद 10 मिनट बाद उनको डिमोट करके दिखाऊँगी।
चलिए हम लोग केक डेकोरेट करने के लिए व्हिप क्रीम बनाते हैं। ये जो मैंने निकाला था ओरियो बिस्कुट का क्रीम, ये मैं इसमें बॉल में ले रही हूँ सारा क्रीम। अच्छी तरह से उसको मुझे मेल्ट करना है। थोड़ा सा मिला रही हूँ दूध, 1 टीस्पून उसमें दूध मिला रही हूँ, क्योंकि इस तरह से इसको मुझे 5 से 7 मिनट फेंटना है। इसके बाद ये अच्छा सा व्हिप क्रीम रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा ये क्रीम रेडी हो गया। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी बॉयल करने दिया है सॉस पैन में, और ये मैंने लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड है ये। इसको मैं इसके ऊपर रख के इस तरह से इसको मैं मेल्ट करूँगी। देखिए मैं इस तरह से इसको मुझे मेल्ट करना है। आप चाहे तो इसको ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मुझे इसको मेल्ट करना है। नीचे पानी बॉयल हो रहा है और ऊपर से ये मुझे चलाता रहना है, और इसका स्टीम में ही मुझे इसको बॉयल मेल्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए। देखिए मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी, इसी तरह से मैं इसको अच्छा मेल्ट कर। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चॉकलेट अच्छा से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ठंडा करने देती हूँ, उसके बाद मैं केक डेकोरेट करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, केक हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसका वो रिमोट करके दिखा दूँगी साइड से। मैं इसे नाइफ की मदद से इसको अलग कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख रही हूँ। हल्का सा डिप करूँगी। अब देख सकते हैं मेरा केक अच्छा से निकल गया। अब मैं इसको पलट देती हूँ। अब मैं ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा तरफ से निकाल लेती हूँ। देखिए केक मेरा ठंडा हो गया है, स्पंजी बना है। हम लोग इसमें अपना डेकोरेट करते हैं। ये जो मैंने चॉकलेट मेल्ट किया है इसके ऊपर मैं चॉकलेट लगा दूँगी। देखिए पूरा चॉकलेट हम लोग इसमें, सारा चॉकलेट मैंने इसमें इस तरह से लगा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि अच्छा से ये जम जाए। उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। ये मेरा व्हिप क्रीम जो मैंने रेडी किया है बिस्किट के क्रीम से, ये रेडी हो गया है। मैंने ये पाइप में भर लिया है, अपने मैंने इसमें भर लिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। अपने हिसाब से मैं जिस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ आप कर सकते हो। मैं इसमें छोटा छोटा फ्लावर दे रही हूँ साइड में। आपके पास अगर ये चॉकलेट ना हो डार्क चॉकलेट, तो आप डेयरी मिल्क को भी मेल्ट करके, जिस तरह से मैंने मेल्ट किया है दूध डाल के, आप मेल्ट करके इसके ऊपर लेयर लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से यह केक बन सकता है। देखिए मैंने चॉकलेट का मैंने ये व्हिप क्रीम बना लिया, डेकोरेट भी हो रहा है मेरा, और बिस्किट से मेरा अच्छा सा केक भी बन गया। इस तरह मैं पूरा केक डेकोरेट करूँगी। देखिए मैंने चारों तरफ से डिज़ाइन दिया है। आप चाहे तो और भी कोई डिज़ाइन दे सकते हैं इसमें। मैं एक लेयर और दे रही हूँ बीच में। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, आपको जिस तरह का पसंद हो आप डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह डेकोरेट किया है इसको। देखिए मेरा ये
आप देख सकते हैं मेरा ये बहुत अच्छा से मैं डिफ्रीबोट कर रही हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जो भी नया रेसिपी डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।